हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हैं भारत की विश्व में अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करने के लिए। देखिए, भारत को भारत नाम कहाँ से मिला, या हिंदुस्तान नाम किसने दिया, या विश्व का भारत ने कितना क्षेत्रफल घेरा है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से जानने के लिए, भारत की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए आज आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक वर्ल्ड मैप लिया है जिसमें आपके 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं जिसपे दोस्तों जिसमें हमारे विश्व के सभी कंट्री स्थित हैं। अब भारत कहाँ स्थित है, तो देखिए ये है आपका एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में यहाँ पे स्थित है आपका भारत, यहाँ पे भारत की स्थिति है। तो आप लोगों ने ये तो देख लिया कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। अब भारत का भारत नाम कहाँ पड़ा, अब इसको मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत एशिया में कहाँ स्थित है, तो भारत एशिया में पूर्व और दक्षिण दिशा में, ये पूर्व एरिया है और ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये भारत की एशिया में स्थिति है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि भारत को भारत नाम कहाँ से मिला। तो सबसे पहले भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त किसने कहा, तो जो भारत में निवास करने वाले लोग थे, जो उत्तर भारत में निवास करते थे, वे उसको आर्यावर्त कहते थे। और इन्हीं में एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया। अब देखिए, ये तो बात सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग की है, जब आपके देश में ईरानियों ने आक्रमण किया तो वहाँ पे जो एक नदी बहती थी, भारत में एक नदी जो बहती है सिंधु नदी, उसको ईरानियों ने जब यहाँ आक्रमण किया भारत पे, तो इस नदी को कहा हिंदू नदी, और इस देश को जहाँ पे ये नदी बह रही थी उसको कहा हिंदुस्तान। तो भारत को हिंदुस्तान नाम कहाँ से मिला, ईरानियों से। एक और नाम इंडिया, इंडिया नाम कहाँ से मिला भारत को, तो देखिए ईरानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानी जब भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को देखा तो उन्होंने उसको इंडस नदी कहा, और इंडस नदी जहाँ से बह रही थी उस देश को इंडिया कहा, यानी भारत। तो भारत को चार नाम मिले, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। कहाँ से मिला, सभी का आपको विस्तार से जानकारी मिल गया। अब देखिए, भारत का आकार कैसा है, अगर आपसे पूछा जाए ज्यामिति आकार, तो यह है चतुष्कोणीय। अब वो कैसे चतुष्कोणीय है उसका प्रूफ भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, भारत का आकार चतुष्कोणीय है, ये कैसे कहा जा सकता है, तो ये रहा भारत का एक मैप, और देखिए यहाँ से इस तरह से ये है भारत का आकार। अब भारत का आकार चतुष्कोणीय है कि नहीं, आप लोग खुद ही देख के बताइए, ये एक चतुर्भुज के आकार का बन रहा है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है ये कहना गलत नहीं होगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है विश्व का, कौन से, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो 7वां बड़ा देश है, मतलब इससे 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। और 7वें नंबर पे कौन है, भारत। भारत का कुल क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और विश्व का ये क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो अभी हमने आपको बताया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति है। ये रहा विश्व का मैप। अब विश्व के मैप में ये है आपका इक्वेटर, जिसको आप क्या कह सकते हैं, 0° अक्षांश रेखा, और इसके ऊपर ये कर्क रेखा है और इधर मकर रेखा है। और भारत कहाँ पर है, तो इक्वेटर से ऊपर है, मतलब 0° अक्षांश से ऊपर है, तो ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर में है, और देखिए यहाँ से ये पूर्व कहलाता है, ये पश्चिम कहलाता है, तो भारत कहाँ पे है, पूर्व में है, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पर है, ये रहा भारत। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है भारत। और एशिया में कहाँ स्थित है, जब आपसे पूछा जाए, तो एशिया में इसकी स्थिति है दक्षिण पूर्व। ठीक, आप इतना याद रखिएगा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए पहले मैप पे चलते हैं, ये रहा आपका भारत का मैप। अब अक्षांशीय विस्तार हम लोग को देखना है, तो देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, जो ग्लोब है उस पर जो पड़ी लाइन है इसको अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी लाइन है उसको देशांतर कहते हैं। सॉरी, 8° 6' उत्तरी अक्षांश से 37° 6' उत्तरी अक्षांश में भारत की अवस्थिति है। और देशांतरी विस्तार देखते हैं, तो ये होगा आपका
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर। ये भी पूर्व है, ये भी पूर्व है, क्योंकि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, पूर्व में, और ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम में लंबाई क्या है और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई क्या है? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण में ये यहाँ से यहाँ तक अगर मापा जाए तो भारत की कुल लंबाई है, ये है 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा 3214, दो तीन बार इसको कहिएगा फिर याद हो जाएगा, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई है। और भारत की पूर्व से पश्चिम में जो चौड़ाई है ये कितनी है? तो ये है आपका 2933, मतलब 2933 किलोमीटर 2933, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया उत्तर से दक्षिण विस्तार, या इसको लंबाई कहेंगे, कितना है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। और आपका पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है ये कितना है? तो ये है आपका कितना, 2933 किलोमीटर, मतलब आपका कितना हो गया 2933 किलोमीटर। और ये तो आपने लंबाई चौड़ाई देख लिया। अब देखिए, जो ये विस्तार है ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ तक हमारे भारत की जल भूमि में जो अवस्थिति है वो है। तो मुख्य भूमि की जो अंतिम बिंदु है ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है उत्तरी, लेकिन यहाँ का जो अंतिम विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट पड़ता है। तो ये विस्तार भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से दक्षिण, कभी कभी ये वाला भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो इसको भी याद रख लीजिएगा। देखिए, अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे उत्तर में तो ये है, ये आपका लद्दाख है, और लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा कौल। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। क्या है? भारत का उत्तरतम बिंदु है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, या इसको केप कोमेरिन भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको माना गया है वो यहाँ पे है आपका अंडमान में, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या इसको पिगमेलियन पॉइंट, ये भी आप लोग याद रखिएगा, या तो इसको फिर पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं। तो जैसे कि इसको सबको हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे अंडमान में स्थित है, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं। अब देखिए, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का? तो ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गोरमोता, ये गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये आपका है किबिथू, ये कहाँ पड़ता है? तो ये अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी लाइट पेन उपलब्ध नहीं है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। ये हमने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार, अंतिम बिंदु ये देख लिया। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ आपको और पॉइंट्स लिखे हैं पीडीएफ में, उसको बता देते हैं। बाकी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने राज्य हैं, राजधानी, इन सभी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, वही चीज़ें जो आपको हमने बताई थी, भारत का भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशीय विस्तार तो ये है 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब नीचे से लेकर ऊपर आइएगा, और देशांतरी विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1 अरब 21 करोड़ से ऊपर जा चुकी है भारत की कुल जनसंख्या, यहाँ पर लिखा भी है एग्जैक्ट। तो भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5%। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो ये 2रा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, आप सभी ने देखा। देखिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।